आज की रेसिपी है भरवा करेले की, जो बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसे मैंने अलग अलग तरीके से बनाया है, जो आप मेरे चैनल में आप देख सकते हैं। सिंपल चावल दाल के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसे बनाने में तेल भी बहुत कम इस्तेमाल होगा ये वाली रेसिपी में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, करेलों को हल्का हल्का सा छील लेंगे। और इसके लिए छोटे छोटे करेलों का इस्तेमाल होता है, पर मेरे पास जो भी थी मैंने उसी का इस्तेमाल कर लिया है। और इसे अगर थोड़ा से बड़े साइज़ का करेला है तो इसे 3 टुकड़े में मैंने काटा है, और जो मीडियम साइज़ का है उसे आप 2 टुकड़े में भी काट सकते हैं। और इस तरह से सभी को मैंने हल्का सा छील के इसके दोनों एंड्स को काट दिया है और अच्छे से वॉश कर लिया है। अब पानी डालेंगे, उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और इन करेलों को 7 से 8 मिनट के लिए हम उबाल लेंगे, ढक्कन बंद करके मीडियम फ्लेम पे। तब तक मसाले की तैयारी करते, जिसके लिए मैंने ले लिया है 1/4 कप के लगभग चने की दाल, साबुत धनिया 2 चम्मच, आधा चम्मच के लगभग सौंफ, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून के लगभग काली मिर्च का पाउडर, स्वाद के अनुसार लाल मिर्च पाउडर और हल्दी। मेरे पास जो भी खड़े मसाले थे मैंने उसे ले लिया। खड़े मसाले और पाउडर मसाले दोनों को मिक्स करके लिया है, आपके पास जिस तरह का हो वैसा ले लीजिए। अब मैंने मसालों को ना बड़े जार में ट्रांसफ़र कर लिया था, क्योंकि छोटे जार में चने की दाल पीसने में बहुत दिक्कत हो रही थी और आपको इसे 2-3 बार चला चला के पीसना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा मसाला तैयार हो चुका है। और हाँ, आपके पास अगर, मेरे पास ना बेसन नहीं थी, ख़त्म हो गया था, अगर आपके पास बेसन है तो आप चने की दाल के बदले बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कम झंझट में बन जाएगा। मेरे पास बेसन नहीं थी तो मैंने चने की दाल का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे देखिए करेले सॉफ्ट हो चुके हैं, अब इसे हम पानी से निकाल लेंगे, अच्छे से इसे ठंडा होने देंगे और फिर इसके अंदर जो भी गूदा है उसे हम निकाल देंगे। अब कढ़ाई में मैंने डाला है सरसों का तेल, और सबसे पहले 7 से 8 लहसुन को मैंने घिस लिया है, उसे डाला है। 2 मिनट के बाद हम मीडियम साइज़ का 2 प्याज भी डाल देंगे, प्याज थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा। और बस प्याज को हमें हल्का सा गुलाबी होने तक भूनना है, आप हींग ज़रूर डाल दीजिएगा, मैं डालना भूल गई थी। तो थोड़ा सा भुनने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे जो करेलों का जो पल्प था ना, उसे मैंने सारा इस्तेमाल नहीं किया है, जो बीज था ना मोटे मोटे जो होते हैं उसे मैंने फेंक दिया है, और जो बिल्कुल सॉफ्ट सा गूदा था उसी का इस्तेमाल मैंने किया है। छिलके का इस्तेमाल मैं नहीं करती हूँ, अगर आप करते हैं तो इस्तेमाल उसे भून लीजिएगा शुरुआत में ही। और अब हम डाल देंगे इसमें जो तैयार किया हुआ मसाला है उसे। प्याज को देखिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं भुना है, हल्का सा गुलाबी होने तक ही भुना है। अब इन मसालों को हमें 5 से 7 मिनट तक भून लेना है, लो फ्लेम पे भूनिएगा, क्योंकि डालते ही के साथ सारा जो तेल है ना वो सोख लेता है, चने की दाल है या बेसन जो भी आप इस्तेमाल करें। अब इसमें हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। अब इस मसाले में खटाई के लिए आप अचार का मसाला डालिए या अमचूर पाउडर डालिए, डाल सकते हैं। मेरे पास इमली था तो मैंने इमली को थोड़ा सा पानी में सोख करके रख दिया था, तो मैं इमली का इस्तेमाल कर रही। आप कोई भी खटाई का इस्तेमाल कीजिएगा। इमली का पानी मैंने डाल दिया है अच्छे से मसाला भुनने के बाद। अब देखिए इसे फिर से 2 मिनट के लिए हम भून लेंगे। इमली का पानी डालने पे ना ये जो सारा जो मसाला है ना, देखिए कैसे एकदम इकट्ठा हो चुका है, इसमें बाइंडिंग आ गई है अच्छी सी। अगर आप अमचूर पाउडर और का इस्तेमाल कीजिएगा ना तो ये मसाले थोड़े से भुरभुरी रहेगी, लेकिन फिर भी ये स्टफिंग बन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए स्टफिंग अच्छे से ठंडी हो गई है, अब इसे हम करेलों में भर देंगे। और जो चने की दाल की वजह से ना, या बेसन जो भी आप डालिएगा ना, इसके कारण अच्छी सी बाइंडिंग इसमें आ जाएगी, तो ये तेल में उतनी मसाले निकलेगी नहीं, स्टफिंग तेल में निकलेगा नहीं। ये देखिए बिल्कुल दबा दबा के मसाले को हम करेलों में भरेंगे। सारा करेला हमने भर लिया है। नॉनस्टिक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। देखिए जो हमने स्टफिंग बनाए थे ना उसमें भी हमने बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं किया था, अब यहाँ पे भी हम बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं भूनने के लिए। सारा करेला एक साथ ही हम इसमें डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे उलट पलट कर हम सुनहरा होने तक भून लेंगे। बहुत ज़्यादा तेल में स्टफ्ड करेला, भरवा करेला भूनने पे ना जो स्टफिंग है कभी कभी निकलने लगती है और तेल बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, वो दोबारा यूज़ करने लायक रहता नहीं है। तो ये देखिए थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसे उलट पलट के अच्छा सुनहरा कलर आने तक इसे हम भून लेंगे। अब इस भरवा करेले को आप गर्मा गर्म सिंपल सा चावल दाल के साथ खाइए, आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा। होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी यूज़फुल लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।